अंतिम पांचवा रीजन जिसको जानेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से भी प्रेयर सुनी नहीं जाती, उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 23, मरकुस की पत्री अध्याय 11 उसके पद 23 को पढ़े क्या लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु ने फिर से एक बात बता दी, जब चेले जो प्रभु के साथ थे, जब उन्होंने उस पेड़ को देखा जिस पेड़ को प्रभु ने श्राप दिया था, वो सूख गया, तो कहने लगे प्रभु वो पेड़ तो सूख गया जिसको तूने श्राप दिया था। तो प्रभु ने उनको समझाया और प्रभु ने बोला, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतिधि करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। जो आप मुंह से बोलते हो, आप प्रेयर करते हो, आपके प्रेयर करने में, आपके बोलने में फेथ होना चाहिए। अगर आपके बोलने में, आपके प्रेयर करने में विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है, तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। संदेह नहीं करना यीशु पे, संदेह नहीं करना। जब विश्वास से प्रार्थना करते हो उस पर संदेह नहीं करना, यीशु के वचन पे संदेह नहीं करना। ये यीशु ने समझाया चेलों को कि तुम तो इस पेड़ की बात करते हो, यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, जो यरूशलेम के पहाड़ थे, यहाँ के जो पहाड़ थे, इनको भी बोलोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पर, वो भी तेरी बात मान लेगा। लेकिन एक कंडीशन है कि तुझे संदेह नहीं करना। अगर तेरे प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो वो काम नहीं होगा। तेरी प्रार्थना में फेथ होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है। यदि तेरी प्रेयर के अंदर विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है, तो तेरी प्रार्थना भी सुनी नहीं जाएगी, तेरी प्रार्थना भी सुनी नहीं जाएगी। यीशु ने यह बात उनको सिखाई और समझाई। वैसे ही जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना में फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। याकूब कहता है कि यदि कोई मनुष्य, जो मनुष्य विश्वास में कमजोर है, वो किसके समान है? समुद्र की लहरों के समान। समुद्र की लहरें जैसे उछलती है और एकदम से धाम से आके वापस पानी में आ जाती है, वैसे ही ऐसा व्यक्ति है जो डबल मन का है, डबल स्टैंडर्ड का है। उसका मन जो है दुचिता है। दुचिता मतलब दो मन का व्यक्ति है, विश्वास भी करता है और विश्वास नहीं भी करता है। चर्च में आके विश्वास भी करता है और पाप भरा जीवन भी जीता है, जो दो चिता मन का व्यक्ति है, जो डबल स्टैंडर्ड का व्यक्ति है, जिसका डबल मन है, दो मन से चलता है, प्रभु के साथ भी और शैतान के साथ भी। विश्वास प्रभु पे भी करता है और शैतान के काम भी करता है। जो डबल मन का व्यक्ति है उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। लिखा है संदेह वाली प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाती। जो डबल मन का व्यक्ति होता है, संदेह के साथ प्रेयर करता है, काम होगा नहीं होगा। जब प्रार्थना में बैठा, बड़े विश्वास से प्रार्थना करी, प्रभु ये काम मेरा हो जाए, प्रार्थना के बाद उठा, थोड़ी देर बाद दोबारा वो परेशानी सामने दिखाई दी, अरे कैसे होगा, लगता नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, अरे पास साहब प्रार्थना करो हो जाए। विश्वासियों प्रार्थना करो, चर्च के लोगों प्रार्थना करो, हो जाए। आपके मन में यदि संदेह रहेगा वो काम नहीं होगा, संदेह रहेगा तो काम नहीं होगा। आपको मन से संदेह दूर करना है, विश्वास के साथ प्रेयर करनी है। जब विश्वास के साथ आप प्रेयर करते हो तो आपकी प्रेयर सुनी जाएगी। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस विदाउट फेथ प्रेयर करते हैं, उनके प्रार्थना में विश्वास ही नहीं होता, उनकी प्रार्थना में विश्वास ही नहीं होता, बिना विश्वास के प्रार्थना करते हैं, और यह कारण है उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। और ईश्वर ने समझाया, तुम्हारी प्रार्थना में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारी प्रार्थना में विश्वास नहीं होगी, वो विश्वास नहीं होगा, तो तुम्हारे जीवन में वो अद्भुत काम नहीं होंगे। यानी पहाड़ का अर्थ है, कितनी भयंकर मुसीबत क्यों ना हो, कितनी भयंकर मुसीबत क्यों ना, जो पहाड़ की तरह तुम्हें दिखाई दे रही है, चाहे कर्जों का पहाड़ हो, बीमारी का पहाड़ हो, चिंताओं का पहाड़ हो, किसी प्रकार का भी पहाड़ तुम्हारे सामने है, यदि तुम विश्वास से उस पहाड़ से, यानी उस बीमारी से, उस परेशानी से, उस ट्रबल से, सफरिंग से, तुम कमांड करोगे उसको, तुम यीशु के नाम से विश्वास से कहोगे, उखड़ जाएगा वो तुम्हारे जीवन से और निकल के चला जाएगा। हालेलुया। यदि विश्वास नहीं है, विदाउट फेथ आप प्रेयर कर रहे हो, तो आपकी प्रेयर सुनी नहीं जाएगी। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। ये पांच रीजंस हैं जिसके कारण मसीहों की प्रार्थना सुनी नहीं जाती है।
फिर वो कहते हैं हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि ये 5 रीजंस है। अगर ये 5 रीजंस को आपने अपने जीवन में अच्छे से ठीक कर लिया, इसको इंप्लीमेंट कर लिया, तो आपकी प्रेयर जो है फायरफुल प्रेयर हो जाएगी, सामर्थ्य प्रार्थना हो जाएगी, गढ़ों को ढा देने वाली प्रार्थना हो जाएगी। और जब भी आप प्रार्थना करोगे तो अद्भुत काम होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में प्रार्थना के सीक्रेट की को जान लिया है। जो प्रभु के वचन से आपको बताया गया है वो सीक्रेट की आपको पता लग गया है, जिससे प्रेयर सुनी जाती है और आपकी प्रार्थना प्रभावशाली शक्तिशाली बनती है। तभी आप अपनी प्रार्थनाओं में यीशु के वायदे को आप क्लेम कर सकते हो। यीशु तूने ऐसा कहा है, यीशु तूने ऐसा कहा है, तू ऐसा कर। जब उसके वायदे को क्लेम करते हो, विश्वास से प्रार्थना करते हो, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, आपके जीवन में अद्भुत काम होते हैं। यह यीशु का वायदा है। और आज जाना इस कलीसिया ने कि यीशु कैसे प्रार्थना को ग्रहण करता है और किस प्रकार की प्रार्थना को सुनता है और आशीष देता है। तो प्रभु का धन्यवाद आज की शिक्षा के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।